कहना है कि ये नीतीश कुमार ने ऐसा करवा रहे, सो बात नहीं है। हम लोग भी हथियार लेके चलते हैं, दूसरे कांधे पर दूसरे हाथ में रखने का हक नहीं है। इसलिए अवधेश मंडल उनके पिता को उनके बेटा को पकड़ लिया। आर्म्स एक्ट के मामले में जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद बीमा भारती ने एक तरफ नाराजगी जताई तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने अब बड़ा बयान दिया है। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि बीमा भारती को लगता है कि उनके बेटे और पति की गिरफ्तारी नीतीश कुमार ने करवाई है, लेकिन ये बात नहीं है। उनके पति और बेटे एक गाड़ी पर थे, बीमा भारती और उनकी बेटी एक गाड़ी पर थी। पुलिस चेकिंग के दौरान बीमा भारती और बेटी तो निकल गई, हथियार का लाइसेंस बेटे के नाम पर नहीं था, इस पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। हम लोग भी हथियार लेकर चलते हैं, हम तो विधायक हैं, गैर आदमी भी चलता है, पुलिस को देखते हैं तो खुद के हाथ में हथियार ले लेते हैं। लाइसेंसी हथियार दूसरे के हाथ में रखने का हक नहीं है। विधायक हैं, उनको धमकी मिली है, क्या कहेंगे सर? उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया, बेटा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, शुरुआत करते हम जब गिरफ्तार किया गया, उनका कहना है कि ये नीतीश कुमार ने ऐसा करवा रहा है, सो बात नहीं है। उनके हस्बैंड उनके बेटा दोनों आदमी एक गाड़ी पर था और उनकी पत्नी उनकी बेटी एक गाड़ी पर थी, अलग अलग। तो जैसे कोई पुलिस चेक किया, वो तो पत्नी है, वो बेटा निकल गया, बेटी निकल गई। अब बेटा के नाम से लाइसेंस नहीं था, पति के नाम से लाइसेंस नहीं था, इस पर पुलिस ने पकड़ा, पकड़ के लौटा के ले गया, हाजत में बंद किया। वो तो चलना अवैध है। अगर हम समझते हैं, हम लोग भी हथियार लेके चलते हैं, जब कोई, हम तो एमएलए है, ऐसा बात नहीं है, गैर आदमी भी चलता है, दूसरे के हाथ में रहता है, जब पुलिस को देखती है तो अपने हाथ में ले लेता है। दूसरे कांधे पर दूसरे हाथ में रखने का हक नहीं है। इसलिए अवधेश मंडल उनके पिता को उनके बेटा को पकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर बीमा भारती को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी के मामले पर गोपाल मंडल ने कहा कि मेरा और बीमा भारती का क्वार्टर बगल में है, उनको किसी ने फोन कर धमकी दी। धमकी दिया है, धमकी सामने हम भी थे, हमको खबर किया, चूंकि एक ही जगह है, हम लोग तो रिलेटिव आदमी है ना, उनको गाली गलौज किया, कहां से राजस्थान से गाली गलौज करने लगा, सब कुछ। उनकी बेटी चिल्लाने लगी, हम सोचे एक ही दीवार है भाई, क्या बात है, तब हम गए दो हमको। हम जब कह, अरे भाई सरकार गिराने में ठीक है, हाथ है, लेकिन सरकार बन गई ना, हम विधायक गोपाल मंडल बोल रहे हैं, हम सरकार बना के मौजूद हैं, ये कोई दूसरा नहीं हमारा है, गाली गलौज काहे करते हो, हमको भी भद्दी भद्दी गालियां दे दी, तब हम भी बिगड़े उसके ऊपर। उसके बाद तुरंत पत्रकार को बुलाए, पत्रकार को बुला के हम बीमा भारती का बयान दिलवाए और FIR करवाए। क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह से बने? अरे ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि कुछ दारू पिए हुए लोग ऐसे करते हैं, वो है भूमिहार वर्ग के लोग, वही अलबल बकते हैं, वही गाली गलौज किया कि वो कोई सरदार होगा, कोई होगा इस टाइप का, उन्होंने गाली गलौज किया, गाली गलौज किया तो FIR हो भी किया, जान मार देंगे, गोली मार देंगे, ये सब अलबल बक्का। आपको भी विधायक जी कोई तरह का लोभ, जिस तरह की बात आ रही है सब की RJD के तरफ से मिलाने की कोशिश की गई थी क्या? देखिए बात है, हम मिलेंगे क्या? हम तो लालू यादव से बहुत पहले से मिलते आ रहे हैं, तेजस्वी भी मिले हैं, सरकार में थे उस टाइम में, उनको चादर देके सम्मानित किए हैं, हम तो मिले हैं, हम तो गए, हम रात में भी बात किए हैं, ये सब ऐसी बात नहीं है। हम जाके रात में, और कोई गैर आदमी नहीं, हम लोग नज़दीकी आदमी हैं। तो जहाँ तक सवाल है, सरकार किनकी भी रहे, जिसका जो संबंध है, तो हमारा तो संबंध है लालू यादव से, वैसा रिश्ता है, मिलते जुलते हैं, हमारा कोई हाथ नहीं था। वहीं गोपाल मंडल ने कहा कि सत्र खत्म होने के बाद वह लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, चुनाव तो JDU से लड़ेंगे क्योंकि JDU की सीट रही है। उन्होंने ये भी कहा कि RJD के अलग हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।